आजादी के अमृत महोत्सव में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए समर्पित योगी सरकार के 100 दिन की कार्य योजना के लक्ष्य को जल शक्ति विभाग ने 100% पूरा करने का सतत प्रयास किया है और हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए। साथियों, 19 मार्च 2017 को जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रथम बार शपथ ली, तब सरकार का लक्ष्य स्पष्ट था। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी सरकार जी ने यह तय किया था कि हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और उनके मूल मंत्र समयबद्धता, पारदर्शिता, ईमानदारी, गुणवत्ता पर विशेष फोकस करते हुए उत्तम प्रदेश का निर्माण करेंगे। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के विकास के दृष्टि से स्वर्णिम 5 वर्ष रहे। हमने निरंतर गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के लिए काम किया है। हमने गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, बंटांगिया, मुसहर, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया है। योगी सरकार ने जाति धर्म को किनारे रखकर काम किया है। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। परिणाम यह रहा है कि विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधने की बेकाम कोशिशें, साजिशों और अनगिनत सियासी षड्यंत्रों के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार को प्रदेश के प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। वो जो खुली आंखों में सूबे का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनके ख्वाब धूल में मिल गए। और तो और, हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में अपना आजमगढ़ और आजमगढ़ का गढ़ रामपुर दोनों हाथ से गवा दिए और जनता जनार्दन ने 100 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा उपहार मोदी योगी सरकार को दिया है और जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है मोदी योगी।